यार सब्सक्राइब करो ना ऑलराइट को। पता है स्कूल लाइफ की सबसे बेस्ट बात क्या है? कि यहाँ की हर बात बेस्ट है। प्यार, पढ़ाई, दोस्ती, लड़ाई सब हमने पहली बार स्कूल में ही तो एक्सपीरियंस की। वैसे दोस्ती से याद आया, आइए आपको मिलाता हूँ अपने दोस्त मनजोत से, एके एमजे, मेरा पार्टनर इन क्राइम। ये मेरी लाइफ में इतना जरूरी है जितना बिरयानी में लेग पीस, भाई के फिल्म में आइटम सॉन्ग और एग्जाम में फर्रा। और ये है मोहित। होमवर्क की फिक्र करने की उम्र में मोहित को देश की फिक्र है। हाय, आप लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हो। विल यू बी माय बॉयफ्रेंड? किस क्लास में हो आप? 9th में। मतलब अगले साल बोर्ड है आपके। मन लगा के पढ़ाई करो और देश का नाम रोशन करो। चलो गुड गुड। उससे मिलके मुझे रियलाइज हुआ कि सच की पीएच वैल्यू ना 7 से कम होती है, क्योंकि सच कड़वा भी होता है और एसिडिक भी। ये स्क्रीन स्लो और हार्टबीट फास्ट होने का रीज़न है नव्या सिंघल, 12th की टॉपर, क्लास मॉनिटर, हाउस कैप्टन और मेरी स्कूल सीनियर। पहली बार उसे बैडमिंटन खेलते हुए देखा ना, तो शटल कॉक की तरह मेरा दिल नेट में अटक गया। और ये हूँ मैं, ये नहीं ये, जिसे शायद नव्या ने आज तक नोटिस भी नहीं किया। पर इस रोहित ने मुझे ज़रूर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस दे रखा है। हैंडसम हंक विद हॉटनेस एंड स्पंक, मेरी स्टोरी का विलेन जो कि बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आया। कंपटीशन देख रहे हो? निखिल, मैं तेरे को बता रहा हूँ, ये जो स्कूल की क्रश होती है ना, वो हमको सिर्फ हार्ट अटैक देती है। हार्ट तो इनका वो कॉलेज के डॉक्टर और इंजीनियर ले जाते हैं। हाँ तो मैं फिर डॉक्टरेट इन इंजीनियरिंग कर लूंगा ना। ऐसा कुछ होता है? हाँ हाँ सब होता है भाई, मेरे को भी करा दियो। सोसाइटी की फाउंडेशन यूथ के इंटेंशंस पे डिपेंड करती है, पर जब ये यूथ ही सांसारिक मोहमाय में पड़ जाए तो समाज तो गड्ढे में ही गिरेगा। इस फुद्दू बंदे की बातों पे ध्यान मत दे, वो नव्या आ रही है। निखिल नव्यारी जाके बात कर, जा जा जाके बात, जाके बात करना प्लीज। अबे जाके बात कर ले वरना जीठा डर के एक्सक्यूज मी, आई जस्ट वांटेड टू से हाय। हाय, एनीथिंग एल्स? नो एक्चुअली या आई, दिस इज फॉर यू। This is for you. Thank you. अब बताओ क्या काम है? ऐसे कोई किसी को चॉकलेट तो नहीं देता? मैं एक्चुअली पूछ रहा था कि आपके 11th स्टैंडर्ड के पीसीएम के नोट्स हैं क्या? 11? तुम जूनियर हो? हाँ मैं 11th बी। सॉरी यार, मैं किसी को फ्री में नोट्स नहीं देती। ओके ओके, हाउ अबाउट अ ट्रीट इन एक्सचेंज ऑफ यू टीचिंग मी मैथ्स? मैथ्स कूल, I like maths. Great. See you then. सही यार, स्ट्रीट कल डेट फिर वीडियो कॉल पे वेट ही वेट, कपल गोल्स ही कपल गोल्स, नाइस, आई लाइक इट, लाइक 5 out of 10। तो पागल है क्या? जूनियर है यार, उसको सिर्फ पढ़ाई में हेल्प चाहिए और उसको क्यों डेट करूंगी मैं? ये ले, रोया ना कर। क्या बोल रहे? थैंक्स जूनियर। अरे जूनियर हूँ तो क्या हुआ, जूनियर्स डेट पे नहीं जा सकते? जूनियर्स की फीलिंग्स नहीं होती? बिल्कुल होती है। वो वर्ल्ड जूनियर, रॉबर्ट डाउनी जूनियर और जूनियर जी, और वो कौन सा जूनियर था? तेरा बाप, वो भी तो जूनियर इंजीनियर ही है। तू ना मेरे बाप पे मत जाकर बात बात। ये कर लो पहले, ये कर लो, मेरी प्रॉब्लम बाद में कर लेंगे। अबे तेरी प्रॉब्लम तो सॉल्वेबल ही नहीं है। ह्यूमन सिविलाइजेशन में हमेशा से ऐसा होता है, इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, तेरी क्लास, उसकी क्लास, वो तो क्लास डिफरेंस देख रहा है। हाँ तो भाई बात अब सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई है यार। अब तो ये जूनियर इस सीनियर को डेट पर ले जाके रहेगा। Miss Navya single, get ready to mingle. मुझे भी दे यार, I'm already sweating. पता नहीं क्या होगा कोर्ट पे। ये ले, ईवा है ना?
हम जीत तो जाएंगे। अरे कैसी बातें कर रही है, बैक टू बैक 6 टीम्स को हरा है। और आज तक हमारे स्कूल की हिस्ट्री में सुना है कि सेमीफाइनल क्वालिफाई की हो बैडमिंटन डबल्स की टीम। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तुझसे अच्छा स्मैश ना कोई नहीं मारता, सो स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ। तू भी बेस्ट ही है, लाइक 3/10। ऑल द बेस्ट। सी यू एट स्कूल। श्योर। तेरे छूने से दिल में मेरे तितलियां उड़ने लगी, देखा मैंने तेरी आंखों में सांसें थमने लगी। ये जो आसमां है और एक लड़की है। अब अगर लड़के को लड़की को इम्प्रेस करना है तो वो क्या करेगा? एफर्ट्स करेगा। Exactly. तो अब इस एफर्ट्स को हम मानते हैं एक्स की वैल्यू। नाउ स्टार्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ पर। हाँ हाँ, मतलब इसमें तो मैं एक्स की जो भी वैल्यू डालूंगा ये कर्व एक्स एक्सिस के उतना ही पास आते रहेगा। एग्जैक्टली। लेकिन कभी उससे मिलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि उसके लिए जो एक्स की वैल्यू यानी कि एफर्ट्स हैं उनको इनफाइनाइट होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। गेटिंग? चलो तुम प्रैक्टिस करो इसे, मैं अभी आती हूँ। मतलब अभी तक जो एफर्ट्स की वो नल एंड वॉइड है, इसीलिए आई हेट मैथ्स। क्या कर रहे हो? अरे यार मैंने मॉक टेस्ट दिए थे करियर लॉन्चर पर। ओह क्लैट, आप लॉयर बनना चाहते हो? या आई हैव अ ड्रीम टू बिकम अ लॉयर एंड जॉइन सम टॉप लॉ फर्म इन न्यूयॉर्क। नाइस, लाइक हार्वी स्पेक्टर। एग्जैक्टली, इसीलिए तो करियर लॉन्चर पर ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ, क्योंकि सारे के सारे टॉपर्स ना यहीं से निकलते हैं। सो यू थिंक यू आर प्रिपेयर्ड? एब्सोल्युटली आई एम प्रिपेयर्ड। और इस बार एग्जाम क्लियर भी करना है और एनएलयू बैंगलोर भी क्रैक करना है। आप बैंगलोर जाने वाले हो? होप सो, फिंगर्स क्रॉस्ड। एंड आई थिंक यू शुड ऑल्सो चेक आउट दिस करियर लॉन्चर्स वेबसाइट, सी इफ एनीथिंग इंटरेस्ट्स यू। ओए निखिल, सिटिंग प्लान लग गया, चल देखते हैं। यार मेरा भी चेक कर लोगे क्या प्लीज? माय रोल नंबर इज, अरे 39, पता है निखिल ने बताया हुआ है। तीन हाँ और नव्या की 3 सीट बाद, भाई तो पास है, मजा आएगा। यार वो अगले साल बैंगलोर जाने वाली है, उसके पहले जितना भी टाइम हमें साथ में स्पेंड करना पड़ेगा, तभी तो एफर्ट दिखाई देगा ना। सीटिंग प्लान को फिक्स करना पड़ेगा यार। अभिमन्यु ने तुम्हारी उम्र में चक्रव्यूह भेज दिया था और तुम्हारे से तुच्छ सा सीटिंग प्लान चेंज नहीं हो रहा। किड्स मैन, किड्स। और ये एग्जाम हॉल भी किसी महाभारत के मैदान से कम थोड़े ना था। तो बिना कोई लॉजिक लगाए हमने पूरा सीटिंग प्लान ही चेंज कर दिया। जितना डर लगा उतना फन भी आया। अब इतना सब करने के बाद क्या ही गलत हो सकता था? तुम्हें पता है सतीश मैम के पीरियड में आज बम किसने फोड़ा था? किसने भाई? तुम्हारे भाई ने। क्या बात कर रहे हो, सही में? अबे सही। हाय नव्या। हाय। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू, सेम टू यू। आज एग्जाम के बाद ना
उसको प्रपोज मार दूंगा। क्या बात कर रहा है, सही में? ओ बेटे मैम, प्लीज मैं कम इन। गुड मॉर्निंग मैम। व्हाट अ कोइंसिडेंस, तो बताया नहीं हम लोग साथ में बैठ रहे हैं। मतलब मुझे भी पता नहीं था इससे पहले। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, सेम टू यू। वी डोंट नीड इट। मंजोत, मंजोत, व्हाट इज दिस? मैम कुछ नहीं, एक सेकंड प्लीज प्लीज मंजोत। मैं एक मिनट जरा। नो, बैठो यहाँ, बैठो बैठो यहाँ पे। इन फ्रंट पेपर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये रोहित नव्या को प्रपोज करने वाला है एग्जाम के बाद। Will you go out on a date with me? Are you insane? Is this a prank? No, I'm serious. Then my answer is no. तुम मेरे साथ डेट पे इसलिए नहीं जाना चाहती ना? Because I'm your junior. How typical. Navya, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? चीटिंग? नो मैम, अगर आप चीटिंग नहीं कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? मैम मैम, गॉड प्रॉमिस आई वाज नॉट चीटिंग। व्हाट इज दिस? विल यू गो आउट ऑन अ डेट विद मी? शट अप क्लास, बिहेव। व्हाट इज दिस नव्या? बिहेव। जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और रेड को सब्सक्राइब करेंगे, एंड 50K लाइक्स होते ही लकी सब्सक्राइबर्स को मिलेगा एक एक्सक्लूसिव ईवा का गिफ्ट हैम्पर। ऑल्सो इफ यू वांट स्पेशल फीलिंग एवरी डे, गो चेक आउट ईवाज वाइड रेंज ऑफ डिओड्रेंट्स एंड चैपस्टिक्स टू मेक एवरी मोमेंट स्पेशल। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड स्टे होम, बी सेफ एंड बी ऑलराइट।